हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लिटिल गार्डन। दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अपने गार्डन के परमानेंट प्लांट, जो हर साल बहुत सुंदर फूल देते हैं और सालों साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो आज ये जो सबसे पहला प्लांट आप देख रहे हैं, ये है हिबिस्कस का प्लांट, इसे गुड़हल भी कहते हैं। तो ये मेरे पास 5-6 प्लांट होंगे और सभी में अलग अलग कलर आते हैं। तो इनमें दोस्तों कई तरह के कलर्स आते हैं, फूलों के कलर्स कई तरह के होते हैं, देसी और हाइब्रिड दोनों ही तरह के प्लांट्स के फूल बहुत सुंदर लगते हैं। तो इनकी ख़ास बात ये है दोस्तों, ये खुले धूप में सनलाइट में रह सकता है। और अगर आपकी छत में 5-6 घंटे की धूप आती है, आपने कोई नेट शेड का यूज़ नहीं किया है या नहीं कर सकते हैं, तो आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो आज की मेरी इस लिस्ट में इसी तरह के सभी पौधे हैं जो पक्के होते हैं, कम केयर मांगते हैं और खुली धूप में रहते हैं और बहुत अच्छे फूल भी देते हैं। तो दोस्तों, इनको जो हिबिस्कस को मैंने जो पॉट दिया है वो 10 इंच भी है और 12 इंच भी है। प्लांट जैसे जैसे पुराना होता जाता है, उनको हर साल पॉट चेंज करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच बड़ा लें आप पॉट, और हर साल इनमें अच्छी सी खाद आप डालें। जैसे फरवरी में इनमें नई ग्रोथ शुरू होती है, तब इनको थोड़ी सी प्रूनिंग ज़रूरी चाहिए होती है, इनकी कटाई छटाई करनी चाहिए और इनकी कटिंग भी बहुत अच्छे से बरसात के टाइम पे आप इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। और जो खाद मैं देती हूँ दोस्तों, वो है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। और हाँ दोस्तों, आप अपनी मिट्टी में नीम खली का यूज़ ज़रूर किया करें, उससे दोस्तों इनकी जड़ों में ही इनका उपचार हो जाता है। जैसे कि इनमें मिली बग्स आते हैं, एफिड्स आते हैं, स्पाइडर माइट्स, बहुत तरह की चीज़ें इनको अटैक करती है, तो वो चीज़ों से खतरा जो होता है वो थोड़ी कम हो जाती है, यानी ना के बराबर हो जाती है। तो आपने देखा पत्तियों में कितनी हरियाली है, हरी हरी पत्तियां हैं, ग्रीनरी है, और फूल भी देखिए दोस्तों। और जो इनका फूल होता है वो सुबह खिलकर शाम तक बंद हो जाता है, यानी एक ही दिन का ये मेहमान होता है। देखिए दूसरा ये रंग है, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, आप इसको खुले धूप में रखें, और अगर कोई भी पेस्ट अटैक होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर करिए। तो मैं जो नीम ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, वो नीम कवच का नीम ऑयल है, तो वो भी बहुत बढ़िया दोस्तों है। उसके अलावा आप पतंजलि का नीम ऑयल लेकर आप कुछ बूंदे पानी में मिलाकर आप उसका स्प्रे भी इनको 15 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं, अच्छे से पत्तियों के कोने कोने में। इस तरह से दोस्तों इनकी जो ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, और जो कलियां बनकर कलियां गिर जाती हैं, तो ये भी जो समस्या, ये जो प्रॉब्लम है, ये ख़त्म हो जाएगी। ये भी दोस्तों एक हिबिस्कस की ही वेराइटी है। देखिए पत्तों में थोड़ी वेरिगेशन है, वेरीगेटेड लीव्स हैं इनके, और बहुत खूबसूरत लगता है, कहीं पिंक है कहीं हरे हैं। तो जब फूल ना भी आते हों इसमें, तब भी ये जो प्लांट है बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा हिबिस्कस का प्लांट। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम ये है दोस्तों ओलियंडर का प्लांट, इसे कनेर भी कहते हैं, और इसमें भी दोस्तों कई तरह के रंग फूल आते हैं। देखिए एमेरिलिस पीछे की तरफ में सभी खिल गए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर बादल है और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी चल रही हैं। तो ये जो कनेर का प्लांट है दोस्तों, ये भी दोस्तों सर्दियों में, हाँ दोस्तों एक बात और, जितने भी ये परमानेंट प्लांट होते हैं सर्दियों में थोड़े से ये रेस्ट पीरियड में होते हैं, यानी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो उसके बाद फरवरी में इनमें सभी में नई नई ग्रोथ आती है। ये 12 इंच के पॉट में लगा है, और इसे मैंने दोस्तों फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इनकी अच्छे से कटाई छटाई कर दी थी, यानी इनकी जो बड़ी बड़ी जो पुरानी ब्रांच है उनको हमने कट कर दिया था। उसके बाद देखिए ये हरी हरी बिल्कुल नई नई नरम नरम इनके पत्तियां आई हुई हैं, और जितनी इनकी ब्रांच होगी उतने ही फूल इनमें आएंगे। तो ये मेरे पिछले भी साल बहुत अच्छे छोटे छोटे पिंक कलर के इनमें फ्लावर्स आए हुए थे, तो अब दोस्तों बहुत जल्दी इनमें फूल आ जाएंगे। और दोस्तों ये खुले धूप में बहुत अच्छे से रहता है, और इनको पानी भी बहुत कम चाहिए होता है। आप गर्मियों में तीसरे दिन भी इनमें पानी देंगे तब भी ये पौधा इसी तरह रहेगा। तो ये है कनेर का बड़ा ही खूबसूरत प्लांट,
इसे तो आप ज़रूर अपने गार्डन में लेकर आइएगा। तो ये जो प्लांट मेरे पास है, इसकी पत्तियाँ बहुत नरम, बहुत छोटी छोटी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अगला मेरा ये प्लांट दोस्तों हमेलिया का है, इसे फायर बुश भी कहते हैं। देखिए कितने प्यारे इनमें गुच्छे फूल आए हैं। अभी तो ये प्लांट और भी बड़ा होगा। तो जो मेरे व्यूवर्स, जो मेरे भाई बहन मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये जो प्लांट है मेरे गार्डन में पिछले साल भी देखा ही होगा। बड़ा ही खूबसूरत इनका फूल जो होता है, छोटी छोटी रेड कलर के गुच्छों में फूल आते हैं। इसको भी दोस्तों मैंने 12 इंच का ही पॉट दिया है। तो जो हम इन पौधों की जो रिपोर्टिंग है, ये हमें बरसात में करनी चाहिए, ना भी हो तो फरवरी के महीने में कर सकते हैं। तो जो देखिए दोस्तों, इसकी जो स्टेम देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मेरा प्लांट है बहुत पुराना है। तो इसे दोस्तों मेरे पास 5 साल हो गया है। तो हर साल मैंने इसे 1-2 इंच करके इसका जो पॉट है ये बढ़ाया है। तो इसे मैंने फरवरी में अच्छी तरह से प्रून कर दिया था, यानी इसको फिर से मैंने काट छाट की थी। तो देखिए नई नई ब्रांच आई है, फूल आए हैं। तो ये जो पौधा है ये आपको ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। तो अगला मेरा ये जो पॉट देख रहे हैं दोस्तों, ये भी 12 इंच का ही है और इसमें मैंने लगाया है मोगरा। तो जो मोगरा का फूल है दोस्तों, इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे ही। बहुत ही खुशबूदार इसकी फूल होती है और बरसात से लेकर दोस्तों इसमें सितंबर अक्टूबर तक बहुत अच्छे फूल आते ही रहते हैं। और चाहे तो हम इसे एक बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। इसको भी काट छाट, कटाई छटाई चाहिए। जितने भी पॉट प्लांट आप आज के इस लिस्ट में देखेंगे, इन सभी की केयर दोस्तों बिल्कुल एक ही तरह की है। मिट्टी जो है वो एक ही तरह की है, खाद पानी और धूप एक ही तरह की इनकी ज़रूरत है। तो ये जो मोगरा का पौधा आप देख रहे हैं, ये भी फ्रेंड्स काफ़ी साल से मेरे गार्डन में है और हमेशा इसने मुझे बहुत ही अच्छे फूल दिए हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ से कट किया है वो निशान आप देख पा रहे होंगे। तो हर प्लांट को दोस्तों प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ये था मेरा खूबसूरत सा मोगरा का फूल। तो अभी ही इनमें पहले पहले ही ये फूल आए हुए हैं, तो आते ही रहेंगे अगले काफ़ी महीनों तक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, एक और ये मेरे पास देखिए कनेर का प्लांट है। तो जो इसकी पत्तियां हैं ये थोड़ी हार्ड होती हैं, थोड़ी सख्त होती हैं, लेकिन फूल बड़े अच्छे आते हैं। ये फूल छोटा होता है। तो ये जो फूल है ये लाइट पीच कलर का है और एक और प्लांट इसी पॉट में लगा है, इसमें ये वाइट कलर के फूल आए हुए हैं। ये देखिए, तो छोटी छोटी कलियां बहुत अच्छी लगती हैं दोस्तों। ये इतना धूप बर्दाश्त करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारा दिन तेज़ धूप में रहते हैं, कुछ नहीं होता है इसे। एटलीस्ट आपको ये जो कनेर का प्लांट है ये ज़रूर लगाना चाहिए, अगर आप हिबिस्कस का पौधा नहीं लगाना चाहें तो। ये देखिए, साथ ही यहाँ पर एक और मेरा हिबिस्कस का ये देसी प्लांट है, इसमें सिंपल रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए, इनको भी मैंने बहुत अच्छे से कट कर दिया था। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है, ये है टिकोमा। तो ये ट्रम्पिट वाइन की फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों, और बहुत खूबसूरत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। इनको भी मैंने फरवरी के महीने में ही प्रून कर दिया था और अब देखिए दोस्तों इनमें कलियां, छोटे छोटे फूल भी आ गए हैं। तो पूरे गर्मी भर दोस्तों ये इसी तरह गुच्छों में फूल देगा और गार्डन में ये अपनी इतनी अच्छी प्रेजेंस बनाए रखता है कि कुछ कमी नहीं लगती है। जब गर्मियों में हमें फूल थोड़े कम लगते हैं, हरियाली की प्रॉब्लम सी होती है, तो ये सभी जो पौधे हैं मिलकर दोस्तों बहुत अच्छा साथ हमारे साथ निभाते हैं। तो इन पौधों को ज़रूर ज़रूर दोस्तों हम सभी को अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। आप सभी ने मेरे इस पौधे को पिछले साल भी मेरे गार्डन में ज़रूर देखा होगा। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो हम काट छाट करते हैं उनको हम एज अ कटिंग ग्रो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितने भी ब्रांच आप देखेंगे, हर ब्रांच में से दोस्तों फूलों के गुच्छे निकलते हैं।
देखिए जैसे कि यहाँ पर कितने सारे ये गुच्छे आप देख रहे हैं, जितनी भी ब्रांच आई है, जितने भी स्टेम आप देख रहे हैं, सभी में से ये फूल आते हैं। तो अगला जो मेरा प्लांट है दोस्तों, ये भी एक चिली हिबिस्कस कहती हूँ मैं इसे, वैसे ये स्लीपिंग हिबिस्कस कहते हैं। ये फूल पूरी तरह से खुलता नहीं है अभी। ये प्लांट मेरा बहुत डी शेप में है क्योंकि इन्हें छांव मिलती है ज़्यादा यहाँ पर, तो ये खुले धूप में मैं इनको रखूँगी। और बड़ा ही खूबसूरत इसमें फूल आता है, ये देखिए छोटे छोटे ये हिबिस्कस जो पूरी तरह से खुलते नहीं हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत ये प्लांट होता है। और अगला दोस्तों, ये मेरा एलामेंडा का प्लांट है। वैसे ये जो है प्लांट, ये एक बेल की तरह होती है। देखिए अब धीरे धीरे इन सभी की जो आप ब्रांच देख रहे हैं, सभी ये बेल बन जाएंगे। तो इनमें सफ़ेद और पिंक और रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और पूरे खुले धूप में ये प्लांट रहता है। बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा फूल इनमें आएंगे, और फूल तो दोस्तों अभी ही इनमें स्टार्ट होने ही वाला है। तो इसको भी दोस्तों मैंने अच्छे से इनकी काट छाट कर दी थी, और इनको इन सभी पौधों में मैंने खाद डाल दिया था, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, नीम खली, ये सभी को मिलाकर। और देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट होता है, आप इनको किसी भी ट्रेलीज के साथ में ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी ये बेल खूबसूरत सी दिखाई देगी। तो ये है एलामेंडा, आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। और दोस्तों मेरे इस लिस्ट में ये एक और प्लांट है, इसे मिराबिलीज कहते हैं। तो जो इसका फूल है दोस्तों, ये फूल सुबह ही खिल जाते हैं और बहुत जल्दी बंद भी हो जाते हैं। देखिए ये जो फूल होते हैं, फूलों में कई तरह के रंग भरे हुए हैं। तो ये जब फूल खिला होगा तब मैं ये फूल आपको दिखाऊंगी। वैसे दोस्तों ये जो प्लांट है, जो इसकी स्टेम होती है, इसमें बिल्कुल हार्ड वुड नहीं होती है, जो सेमी वुड होती है, यानी थोड़ी सी नरम होती है। लेकिन ये जो प्लांट है ये परमानेंट होता है। तो इसे मैंने पिछले ही साल लाया था, और इसे ये प्लांट बहुत अच्छे से चल नहीं रहा था, तो मैंने ये पूरा कट कर दिया और पॉट को इसी तरह छोड़ दिया। और देखिए मैंने कुछ गोबर की खाद कुछ ही दिन पहले इसमें दी है, जिससे इन पत्तियों में हरापन आ गया है, बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इनमें खुद ही दोस्तों बहुत अच्छी ग्रोथ आ गई, और तब मुझे ये पता चला कि ये जो प्लांट है ये हर साल आपके गार्डन में रह सकता है, यानी कि ये भी परमानेंट रह सकता है। तो इनमें देखिए दोस्तों बहुत खूबसूरत फूल आए हैं। कहीं पर ये बिल्कुल डार्क मजेंटा है, कहीं पर थोड़े से येलो है, और कहीं पर दोनों ही मिक्स होकर आए हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो मिराबिलीज का प्लांट है, इस प्लांट को भी आपको कहीं पर भी मिले, आपको ये प्लांट ज़रूर ज़रूर अपने गार्डन में रखना ही चाहिए। ये पूरे धूप में ही रहता है, और पानी ज़रा दोस्तों इसमें बहुत जल्दी सूख जाता है, तो पानी का आपको इसमें ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं इसमें दोस्तों सुबह ही पानी दे देती हूँ, और जब शाम को आती हूँ छत पर तो शाम को भी एक बार ज़रूर इसमें पानी देख लेती हूँ। तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत है, आप इसे ज़रूर ग्रो करें। तो मेरा लास्ट प्लांट दोस्तों है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये है बुगनवेलिया। कई रंगों में ये प्लांट आता है दोस्तों। ये धूप के मामले में तो दोस्तों ये प्लांट सभी फूलों का राजा ही समझती हूँ मैं इसे। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये पूरे खुले धूप में रहता है। पानी आप चाहे इसे 4 से 6 दिन तक पानी मत दीजिए, ये जो प्लांट है इसी तरह हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा और ढेर सारे फूल देता रहेगा। ये देखिए ये एक और बुगनवेलिया है। तो इसके दोस्तों कई रंग हैं मेरे पास, जैसे ये मजेंटा देख रहे हैं, डार्क मजेंटा है ये, और वाइट है, तो कुछ मिक्स में है। तो इस तरह के कई रंगों में ये जो फूल आता है ये बुगनवेलिया, तो फ्रेंड्स आपके पास ज़रूर होगा ही, और जिनके पास नहीं है वो इस फूल को ज़रूर ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। और फ्रेंड्स मैंने आज की इस वीडियो में आपको जितने भी प्लांट बताए हैं उनकी धूप की और पानी और खाद की रिक्वायरमेंट एक ही है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये प्लांट्स अच्छे लगे होंगे, और आप भी ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में लेकर आएंगे। अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, तो लाडो आ गई है मुझे बुलाने के लिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।
अच्छा देखो बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। दीदू कहाँ है दीदू?